काले धन की हेराफेरी को लेकर कोबरा पोस्ट ने बेहद गंभीर आरोप लगाए, बड़े खुलासे का दावा किया है। कोबरा पोस्ट ने तीन निजी बैंक्स पर ये आरोप लगाए हैं। कोबरा पोस्ट के अनुसार तीन निजी बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, और जिसका सीधा मतलब है कि काले धन को सफेद बनाने का एक बड़ा खेल चल रहा है। कोबरा पोस्ट का आरोप है कि बैंकिंग सिस्टम को जरिया बनाकर काला धन विदेशों में भेजा जा रहा है और इसके लिए बैंक एनआरआई खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनिरुद्ध बहल ने क्या आरोप लगाए, सुनिए। ओपनिंग मल्टीपल अकाउंट्स एंड क्लोजिंग देम टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्लैक मनी, दे आर इन्वेस्टिंग ब्लैक मनी इन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेम्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स नॉट नेसेसरली ड्रॉन फ्रॉम द फैमिली, दे आर अलॉटिंग लॉकर्स फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इलेजिटिमेट कैश इंक्लूडिंग स्पेशल लार्ज साइज लॉकर्स टू अकोमोडेट क्रोर्स ऑफ हार्ड कैश, they are personally coming to the residence of the client to collect the black money forward and collect the cash and even bring counting machines to count that black money, they are using provisions like form 60 to deposit illegitimate cash into the account to route it into investments, they are helping clients to transfer black money abroad through NRE accounts, NRO accounts and other telegraphically or through means other than regular banking channels. They are accepting huge sums of cash to invest it in their insurance products and gold. They are doing it even without a mandatory PAN or adhering to the KYC norms. They are splitting the money is to facilitate that the client can go ahead and deposit the money without being detected. They are using Benami accounts to facilitate the conversion of black money. They are using accounts of other customers to channelize the black money to the system for a fee. They are getting demand drafts made for the client either from their own banks or from other banks to facilitate investment without it showing in the client's account. Some other things that they are doing is they are offering cash laundering services like the operation of lockers outside regular banking hours to ensure the secrecy of their customers' entities and to mask the nature of the transactions. तो यहां पर बड़ा खुलासा अनिरुद्ध बहल कर रहे हैं, और वो ये कि काले धन को सफेद बनाने का काम बैंक्स कर रहे हैं और ये विदेशों से भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और बेनामी बैंक खातों बीमा पॉलिसियों का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। और ये भी आरोप लगाया है कि आरोपी बैंक जो है वो आयकर विभाग से जानकारियां छुपा रहे हैं, रिजर्व बैंक को जानकारी नहीं दे रहे हैं। हालात ये हैं कि काम निपटाने के लिए ये बैंक तय वक्त के बाद भी देर तक काम कर रहे हैं और घरों में नकदी की गिनती का काम भी चल रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में शामिल हैं बैंक और तीन निजी बैंक्स पर ये गंभीर आरोप कोबरा पोस्ट की तरफ लगाए गए हैं। अनिरुद्ध बहल ने साफ तौर पर कहा है कि काले धन को सफेद बनाने का काम ये बैंक्स कर रहे हैं, लेकिन तीनों बैंक्स में से किसी का भी पक्ष अभी प्राप्त नहीं हो पाया है।